हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ बेबी सिटर आपको स्टोरी कैसे लग रही है। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग ने जो लानवांग जी को किस कर दिया था, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी भी विंग को सेम पैशन में किस करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद लानवांग जी धीरे धीरे विंग को स्मूथली किस कर रहा था और लानवांग जी और विंग एक दूसरे के टंग को भी सक कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद जो है ना किस ब्रेक होता है, जहाँ पे वो दोनों हेवी ब्रीथ ले रहे थे, जब लानवांग जी विंग की ओर देख रहा था, उसके जो गालों को सहला रहा था और विंग जो लानवांग जी की ओर देख रहा था, वो दोनों अपनी आँखों में देख पा रहे थे एक दूसरे के लिए जो लस्ट देख पा रहे थे, जहाँ पे लानवांग जी धीरे धीरे जो है ना अपने हाथ को जो है ना विंग के बॉडी पे लेके जाना स्टार्ट कर देता है और विंग को इससे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था और विंग जो गहरी सांस ले रहा था, जहाँ पे लानवांग जी जो है ना धीरे से जो है ना विंग के टी शर्ट जो विंग ने जो है ना रात को टी शर्ट पहनी थी उस टी शर्ट के अंदर धीरे से जो नीचे से हाथ डालता है, जिसके बाद जो है ना विंग को जो एक ठंडा सा हाथ महसूस होता है अपनी बॉडी पे और लानवांग जी धीरे धीरे जो है ना अपने हाथ को ऊपर की ओर लेके जा रहा था, जिसके बाद विंग को अपने बॉडी में अलग सा करंट महसूस होता है, जहाँ पे विंग ने जो है ना उसने जो ब्लैंकेट था ना उसे कस के पकड़ लिया था और विंग को वो बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे जब लास्ट टाइम वो जब इंटीमेट हुए थे वो लोग, तब भी विंग को जो दर्द हुआ था, वो सारी चीज़ें हुई थी विंग के साथ तो विंग को, बट अभी ये अलग टच था विंग के लिए, विंग फील कर पा रहा था लानवांग जी का टच। और लानवांग जी कंटिन्यूसली विंग की आंखों में देख रहा था, जहाँ पे विंग कैसी गहरी सांसें ले रहा है और विंग की भी आंखें कैसी हो चुकी है, लानवांग जी यही देख रहा था। तभी जो है ना लानवांग जी कहता है, क्या मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, ऐसे कहता है और विंग उसे देख रहा था, बट विंग अपनी आंखों से इशारा जो है ना हाँ में कर देता है, जिसके बाद लानवांग जी को समझ में आता है। तो लानवांग जी जो है ना विंग के ऊपर आ जाता है, विंग के ऊपर आने के बाद जो है ना लानवांग जी जो है ना विंग की टी शर्ट को जो है ना ऊपर कर देता है, जहाँ पे लानवांग जी जो है ना विंग के बेली पे किस करना स्टार्ट कर देता है, किस कर रहा था, सक कर रहा था और विंग को जो ये एक्साइटेड महसूस कर रहा था, जहाँ पे विंग के जो हाथ थे ना वो लानवांग जी के सर पे थे, जो लानवांग जी के सर को है ना धीरे धीरे वो सहला रहा था और लानवांग जी किस करते हुए जो है ना विंग के निपल्स के पास आ जाता है, जहाँ पे लानवांग जी किस करता है, सक करता है और पिंच भी करता है। लानवांग जी विंग के बॉडी पे अपने सकिंग बाइटिंग करने के छोटे छोटे निशान बना रहा था और विंग जो एक्साइटेड हो रहा था, विंग जो है ना लानवांग जी के सर को जो है ना प्रेस करते जा रहा था और विंग को इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और लानवांग जी कंटिन्यूसली ऐसे ही विंग के बॉडी को टिस करते जा रहा था, वो विंग को टच कर रहा था, पिंच कर रहा था और विंग को पूरी तरह से वो एक्साइटेड कर देता है और विंग जो पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका था और वो जो है ना जो लानजान ऐसे कहता है सेक्सी सी वॉइस में और जो है ना लानजान विंग की वॉइस सुन के उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और विंग जो है ना लानजान से कहता है प्लीज़ मैं और भी ज़्यादा चाहता हूँ तुम्हें, ऐसे जो है ना विंग सेक्सी सी वॉइस में कहता है और लानजान जो विंग है और देखता है, जहाँ पे देखता है कि लानजान की विंग पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका है करके, तो लानवांग जी जो था ना वो अपने जो उसने भी जो है ना एक टी शर्ट पहनी थी उसे निकाल देता है, जिसके बाद जो है ना विंग की भी वो टी शर्ट को निकाल देता है और लानवांग जी विंग के पैंट को ओपन कर देता है, जिसके बाद विंग थ्राउजर में था और लानवांग जी खुद के भी पैंट को ओपन कर देता है, वो खुद भी थ्राउजर में था और वो विंग के ऊपर आता है और विंग के ऊपर आने के बाद जो है ना अपनी बॉडी को विंग के ऊपर प्रेस करता है और जिसके बाद जो है ना विंग को एक वॉर्म महसूस होती है और लानवांग जी जो विंग को किस करता है, डीपली किस करते जा रहा था और विंग भी उसे किस कर रहा था और लानवांग जी किस करते टाइम भी है ना विंग के बॉडी पे जो है ना स्मूथली अपने हाथों को जो है ना फिरा रहा था और विंग को भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और विंग तो एक्साइटेड से मोनी किए जा रहा था लानवांग जी के माउथ में ही और लानवांग जी किस को ब्रेक करता है और उसके बाद जो उनके नेक के पास आता है, नेक के पास सक करता है और छोटे छोटे वेट किसेस देना स्टार्ट कर देता है और विंग तो बहुत से एक्साइटेड हो चुका था, विंग तो कहता है लानजान मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसे विंग कहता है, तभी लानजान रुकता है और विंग की ओर देखता है और विंग से तुम क्या चाहते हो विंग, तो विंग कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने अंदर फील करना चाहता हूँ, तो लानवांग जी एक जो है ना विंग के लिप्स पे थोड़ा सा टैप करता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी नीचे आ जाता है, जहाँ पे विंग के थ्राउजर को ओपन कर देता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी जो है ना
कबड की तरफ चला जाता है और विंग तो शौक तक, विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, मैं यहाँ पे एक्साइटेड हूँ और तुम वहाँ पे क्यों जा रहे हो, ऐसे कहता है। और लानवांग जी जो कबड में जाता है और एक बोतल लेके आता है, और आने के बाद जो है ना विंग के सामने खड़ा हो जाता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, तुम मुझे ऐसे इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हो। तो लानवांग जी जो है ना उस बोतल को खोलता है और अपने हाथ में ले लेता है, और विंग कहता है क्या है ये। तभी विंग देखता है कि वो कुछ जेल टाइप है करके, तो विंग को समझ में आता है वो क्या है करके। और लानवांग जी जो है ना धीरे से जो है ना विंग के पास आता है, जो यानी कमर के पास आता है नीचे के एरिया में, और विंग के पैरों को लेग्स को ओपन करता है। और विंग तो बहुत शौक था, लानवांग जी ने सडनली जल्दी से कर दिया था ना, इसलिए विंग तो शौक था। और लानवांग जी धीरे धीरे जो है ना उस जेल को है ना विंग के बट होल के पास लगाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना सिक्सी से वॉइस निकालता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी अपनी फिंगर को विंग के अंदर इंसर्ट करता है, जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना मौन करता है, यानी वो सिक्सी से वॉइस निकालता है, जहाँ पे लानवांग जी जो है ना विंग को लूज़ करते जा रहा था, यानी वो अपनी फिंगर को मूव करते जा रहा था। उसके बाद जो उसने सेकेंड भी फिंगर भी ऐड कर ली थी, बट विंग जो सिक्सी से वॉइस निकाल रहा था लानवांग जी का नाम ले रहा था। और लानवांग जी ऐसे करने के बाद जो है ना विंग जब लूज़ हो जाता है, लानवांग जी को लगता है कि अब ठीक है, अब पोजीशन ठीक है करके, तो लानवांग जी जो है ना अपने ट्राउज़र को निकालता है, जिसके बाद जो है ना विंग लानवांग जी के लोअर पार्ट की ओर देखता है, और विंग जो है ना ब्लश करता है और विंग दूसरी ओर देख लेता है। और लानवांग जी जो है ना विंग के अंदर फटाक से इंसर्ट करता है, जिसके बाद जो है ना एंटर होने के बाद विंग ज़ोर से चिल्लाता है और वो लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी विंग की ओर ही देख रहा था। और विंग जो है ना ज़ोर से चिल्लाया था, तो लानवांग जी उसे देखते ही जा रहा था। और लानवांग जी कहते हैं विंग कि बहुत हार्डली दर्द हुआ, तो विंग लानवांग जी की ओर देखता है और विंग की आंखों से जो ना एक कॉर्नर से आंसू बह चुका था, तो विंग कहता है हाँ ठीक हूँ मैं, ऐसे कहता है। उसके बाद जो है ना लानवांग जी जो धीरे धीरे अपने बॉडी को मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि देखो लानवांग जी की बॉडी है ना बड़ी है और विंग थोड़ा 19 साल का होने के कारण जो है ना टीनेजर बॉय होने के कारण जो विंग की बॉडी छोटी है, तो विंग को जो हार्डली पेन होना ही हो है ना, तो विंग को वैसे ही पेन होते जा रहा था। और विंग जो है ना मौन करते जा रहा था, और विंग पेन से कारण चिल्लाते भी ही जा रहा था, और पेन प्लेजर उसे सब दोनों एक साथ ही महसूस हो रहे थे। तो विंग जो बहुत हार्डली लानवांग जी का नाम लेते जा रहा था, और लानवांग जी के साथ वो इंटीमेट हो रहे थे, जहाँ पे लानवांग जी जो है ना विंग को पोजीशन चेंज करने के लिए कह रहा था। और विंग जब भी पोजीशन चेंज करता था ना, विंग को बहुत ज़्यादा हार्डली पेन होता था, और वो पोजीशन चेंज करने के लिए लानवांग जी को मना भी कर रहा था। वो लानवांग जी को कस के हक कर लेता है और ना 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 कहता है, बट लानवांग जी कहता है विंग मैंने कहा ना, बट विंग मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो लानवांग जी जो है विंग के साथ, विंग जैसा चाहता है विंग के साथ वो वैसे ही इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। बट कुछ टाइम के बाद जो है ना विंग लानवांग जी से जो है ना विनती करना स्टार्ट कर देता है कि नहीं रुक जाओ, मुझे नहीं करना है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और विंग ऐसे ही कहना स्टार्ट कर देता है। बट लानवांग जी जब अभी लास्ट स्टेज पे पहुँचने वाला था, तो लानवांग जी कैसे रोकेगा, तो इसलिए लानवांग जी जो है ना अपना काम फिनिश करने के बाद ही रुक जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है लानवांग जी, क्योंकि अपने जो है ना लिक्विड को विंग के अंदर ही जो है ना रिलीज़ कर देता है, जिसके बाद विंग ज़ोर से चिल्लाता है। इसके बाद लानवांग जी कहते हैं विंग ऐसे मत चिल्लाओ, बच्चे उठ जाएंगे। तो विंग जो है ना लानवांग जी के चेस्ट पे हिट करता है, क्योंकि लानवांग जी ने जो है ना विंग के मुंह पे हाथ रख दिया था, और विंग लानवांग जी के चेस्ट पे हिट करता है, जहाँ पे जो विंग की आंखों से जो ना आंसू बह रहे थे, क्योंकि विंग को लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा ही पेन हुआ था ना इसके कारण। और लानवांग जी विंग से खुद को अलग करता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी नोटिस करता है कि विंग के अंदर से वो लिक्विड बाहर निकल रहा है करके। तो लानवांग जी जो है ना विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है, जिसके बाद जो है ना विंग तो लानवांग जी को पूरे कस के हक किए हुए था। विंग को पता है अभी उसके बॉडी में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बची है करके, विंग उसे हक किए हुए था। लानवांग जी उसे वॉशरूम में आता है, वॉशरूम में आने के बाद जो है ना वो लानवांग जी विंग के अंदर फिंगर को इंसर्ट करता है, जिसके बाद जो है ना विंग चिल्लाता है, विंग कहता है यहाँ पे भी तुम ये सब करना चाहते हो। तभी लानवांग जी जो है ना विंग से कहता है ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो विंग, मैं तो सिर्फ जो मैंने तुम्हारे अंदर रिलीज़ किया है उसे बाहर निकाल रहा हूँ। तो विंग कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता तुमने क्यों ऐसा किया, ऐसे कहता है, और अब मुझे फिर से तकलीफ होगी। तो लानवांग जी कहता कुछ नहीं होगा, ऐसे कहता है। और लानवांग जी जो है ना
उस लिक्विड को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी शावर को ऑन कर देता है, जहाँ पे विंग के ऊपर जैसे ही जो गर्म पानी गिरता है ना तो विंग को अच्छा महसूस होता है। और विंग ने तो कस के लानवांग जी को हक किए हुए था, जहाँ पे लानवांग जी ने जो है ना विंग को अच्छे से उठा के रखा था ना इसके कारण। तो ऐसे वो दोनों शावर लेते, जहाँ पे लानवांग जी ही विंग के बॉडी को क्लीन कर रहा था। शावर लेने के बाद जो है लानवांग जी विंग को लेके आता है, जहाँ पे विंग को जो है ना अच्छे से जो है ना पोछ लेता है, ड्राई कर देता है, जिसके बाद जो है ना विंग के बालों को भी अच्छे से सुखाता है। जहाँ पे विंग तो लानवांग जी को छोड़ ही नहीं रहा था, और लानवांग जी ने जैसे विंग को जो है ना चेयर पे बिठाया था, क्योंकि लानवांग जी जो है ना विंग के बालों को सुखाने वाला था, तो विंग जोर से चिल्लाता है, कहता है मुझे दर्द हो रहा है ऐसे, कहता है। और लानवांग जी विंग को बच्चों की तरह हरकतें करके देख के जो है ना बहुत ज़्यादा उसके फेस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल आ रही थी। और विंग जो लानवांग जी को कस के हक किए हुए था, लानवांग जी उसके ड्राई कर देता है बालों को, उसके बाद जो है ना उसे बेड पे लाता है, जहाँ पे बेड की उसने पहले ही जो है ना सब कुछ ठीक कर दिया था, चादर वगैरह बदल दी थी। तो लानवांग जी जो है ना विंग को बेड पे लाने के बाद विंग को हक करते हुए ऐसे ही वो दोनों जो है ना सो जाते हैं। तो अभी जो है ना मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी पहले उठता है और वो विंग को सोते हुए देखता है। तो लानवांग जी जो है ना विंग के फोरहेड पे किस करता है, जहाँ पे वो खुद जो है ना जॉगिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद जो है ना वो अपने बच्चों के रूम में जाता है, बच्चों को देखता है वो सोती है, और बच्चों के फोरहेड पे किस करता है, वहाँ से निकल जाता है वो। और जो सर्वेंट था ना उन्हें ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह देता है। तो ऐसे ही उन दोनों का जो है ना 2-3 दिन तक शेड्यूल चलता रहता है, जहाँ पे विंग बच्चों का अच्छे से ख्याल रखता है, और लानवांग जी जो है ना विंग से प्यार करना नहीं भूलता है। एवरी डे मीन्स एवरी डे उनका चलता ही रहता है। जब से जो है विंग ने एक कदम को आगे बढ़ाया था ना लानवांग जी की ओर, तो लानवांग जी ने जो है ना विंग को अपने बाहों में ही पकड़ लिया था, इसलिए जो है ना वो दोनों जो एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे थे। हाँ, उन दोनों को 3 दिन ही हो चुके थे, बट वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। जहाँ पे विंग लानवांग जी को कॉल करता था, जहाँ पे विंग जो लानवांग जी को जो था ना ऑफिस में लंच भी लेके जाता था, क्योंकि लानवांग जी हमेशा घर में आ जाता था। विंग को पता है कि जो है ना ये कितने दूर है घर के ऑफिस, विंग को जब से पता चला है, तो विंग भी लानवांग जी के लिए कभी कभी जो है ना डिनर ब्रेकफास्ट लंच जो है ना वो लेके चला जाता है लानवांग जी के ऑफिस में। तो ऐसे दिन बीतते चले जाने के बाद जो है ना आज जो था ना वो कोर्ट के हेयरिंग वाला दिन था। तो लानवांग जी रेडी था, बच्चे भी रेडी थे आज के दिन के लिए, और विंग भी रेडी था। उसके बाद जो है ना वो लोग अंदर जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट वाले कुछ सवाल करते हैं, और लानवांग जी जो सारे सबूत थे ना उसके पास, वो सारे जो है ना उनके पास करता है। बट जो वो थी ना वो रेडी कहती कि ये सब झूठे, उसने जो है ना खुद के मर्जी से उन सबूतों को क्रिएट किया, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ जो है ना आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, ऐसा ऐसा कहते हैं। पर सारे सबूतों को जो है ना रियल प्रूफ किया जाता है, और उसके बाद जो है ना बच्चों से भी पूछा जाता है कि आप लोग किसके साथ रहना चाहते हो, तो दोनों एक साथ कहते हैं कि हमें मॉम डैड के साथ रहना है। बट जो थे ना जज कहते तुम किसी एक के साथ रह सकते हो, तो शिजुई कहता है मुझे विंग मॉम और लानवांग जी मेरे फादर के साथ रहना है। तभी सर्वेंट कहता है कौन जो थे ना वो कहते कौन विंग ऐसे कहते। तभी लानवांग जी कहता है ये मेरा हस्बैंड है विंग और इन लोगों की मॉम भी। तो जो सारे जो थे ना वहाँ पे जो लोग थे ना कोर्ट में खड़े, वो सब लोग शॉकिंग भी देख रहे थे, क्या एक लड़का किसी की मॉम हो सकती है, और ये दोनों ने कब शादी की ऐसे कहते हैं। तो भी लानवांग जी जो है ना कोर्ट के सामने जो है ना अपना प्रूफ जो था ना वो सबमिट करता है, क्योंकि उन्होंने जो ना चाइना से शादी नहीं की थी, जो वकील आए थे ना वो दूसरे कंट्री से आए थे, और वहाँ पे थाईलैंड का जो स्टैम्प था ना वो लगा हुआ था। तो वो शॉकिंग भी देख रहे थे मैरिज सर्टिफिकेट को, और जो मैरिज सर्टिफिकेट देखने के बाद जो है ना वो जो थे ना जज भी मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये केस यहाँ पे फिनिश हो जाता है, जहाँ पे लानवांग जी को सच्चाई पता होने के बाद चीट करने के बाद उस लेडी ने उनके बच्चों को जो है ना जाके परेशान किया, ये सब किया, विंग के साथ भी जो कुछ भी किया, वो सारे प्रूफ होने के कारण जो है ना उस लेडी को जो है ना 5 साल की सज़ा मिलती है, क्योंकि उसने बच्चों को हर्ट किया और उनके बच्चों की मेंटेलिटी इससे ख़राब हो सकती थी, और चीट वगैरह किया। सारी चीज़ें जानने के बाद जो है ना उस लेडी को 5 साल की सज़ा मिलती है, और वो लोग जो है ना घर आ जाते, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। बट जिंगी को थोड़ा दुख हुआ था, शिजोई को भी थोड़ा दुख हुआ था कि उसकी मॉम जो जेल में जाएगी करके, बट वो ज़्यादा खुश थे, विंग के साथ थे ना इसलिए खुश थे। वो ऐसे ही जो है ना वो लोग घर आते हैं, जहाँ पे शिचान भी आता है, शिचान कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, शाव शिचान मैम सब लोग आते हैं, और थोड़ी छोटी सी गेट टुगेदर हो जाता है उन लोगों के बीच में, एक नॉर्मल पार्टी होती है, जहाँ पे विंग
तो लालवा जी शायद बहुत खुश था। अभी वो दोनों जो दोनों कपल थे ना, वो नोटिस करते हैं कि विंग और लालवा जी के बीच में कुछ तो चेंज हो चुका है करके, क्योंकि लास्ट टाइम वो लोग इतने क्लोज नहीं थे, बट यहाँ पे इस बार जो है ना लालवा जी विंग का हाथ पकड़ रहा है और विंग को टच कर रहा है और विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। ये लोग ये नोटिस करते हैं कि हाँ इन दोनों के बीच में हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है। और ऐसे ही जो है ना वो लोग भी टाइम स्पेंड करते हैं। तो अभी हमें जो है ना 3 दिन बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो अपना काम करने के बाद जो है ना लालवा जी के लिए आज जो है ना लंच लेके जा रहा था। तो विंग निकल जाता है सर्वेंट के साथ अपने कार में और ऑफिस में पहुँचता है। तो विंग डोर को नॉक करता है तो लालवा जी कमिंग कहता है और विंग अंदर जाता है। विंग अंदर जाने के बाद जो है ना लालवा जी के लिए जो है ना टेबल पे जो है ना ब्रेकफास्ट डिनर लगाना, अरे यार लंच लगाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जो है ना विंग लंच लगाते हुए जो है ना वहीं पर ऑफिस में जो एक टीवी था उसे देख रहा था और विंग उसे देखते हुए लालवा जी का वेट कर रहा था। तभी उसके बिन का डोर ओपन होता है और कोई इंसान कहता है लालवा आई मिस यू सो मच, तुम मुझे भूल गए थे, तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया। तभी लालवा जी खड़ा होता है और उसकी ओर शॉकिंग भी देख रहा था। और वो इंसान आता है और विंग लालवा जी को कस के हक कर लेता है और विंग टीवी से ध्यान हट जाता है और विंग का उधर चला जाता है। तो विंग का ध्यान हटे में विंग देखता है कि लालवा जी को किसी ने हक किया करके, और लालवा जी जो शॉकिंगली पुतला बन के खड़ा था और वो इंसान ने हक कर दिया, कहता है आई मिस यू सो मच लालवा जी, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा था तुम्हें पता भी है, ऐसे कहता है। और लालवा जी शॉकिंग देख रहा था और विंग भी देख रहा था शॉकिंगली। और विंग के हाथ में जो रिमोट था ना वो नीचे गिर जाता है। तभी लालवा जी होश में आता है और वो इंसान भी होश में आता है कि उनके अलावा भी इस कमरे में कोई है करके। तभी वो इंसान लालवा जी से दूर हो जाता है और हमारे विंग की ओर देखता है और विंग को ग्रीट करता है हेलो कहते हुए। और विंग जीप सिप सर को हाँ में हिलाता है और लालवा जी उसकी ओर देखते कहते हैं तुम यहाँ पे, तो कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया लालवा जी, मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है करके तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया यहाँ पे। तो लालवा जी उसे शॉकिंगली देख रहा था क्या, और विंग कहते डिवोर्स इसका मतलब क्या है। और लालवा जी विंग की ओर देखता है और विंग कहता है लालवा क्या मैं जा रहा हूँ, तुम जो है ना लंच कर लेना, ऐसे जो है ना विंग कहता है। और विंग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है और जो लड़का था ना वो लालवा जी हाथ पकड़ता है, कहता है क्या हुआ है मुझसे बात करो ना, क्या हुआ है तुम मुझे देख के खुश नहीं होगा। और विंग जो लालवा जी के पीछे जो लालवा जी है ना विंग के पीछे जाने वाला था, बट उस लड़के ने जो वो लड़का था ना उसने जो है ना लालवा जी का हाथ पकड़ लिया था। और विंग तो पूरी तरह से शॉक था, क्या डिवोर्स हो चुका, जैसे ही मुझे डिवोर्स हुआ वैसे पता चला वैसे ही मैं यहाँ पे आ गया, ऐसा कहा उसने। बट ऐसे कैसे हो सकता है। विंग कहता है डिवोर्स होने को जो है ना अभी 2-3 साल हो रहे हैं और वो अभी क्यों आया है, ये कौन है जो लालवा जी के आके उसने हक किया और लालवा जी ने कुछ कहा भी नहीं और लालवा जी मेरे पीछे आया भी नहीं, ऐसे विंग सोचता है। और विंग घर की ओर निकल जाता है जहाँ पे यहाँ पे लालवा जी उसकी ओर देखते कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तभी लालवा जी उसकी ओर देखता है और कहता है बट मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और निकल जाओ मेरे केबिन से, तुम कैसे आ सकते हो अंदर। और लालवा जी जो है ना बाहर से कहता है अपनी सेक्रेटरी को आवाज़ देता है, जिसके बाद सेक्रेटरी अंदर आती है और कहती है ये यहाँ पे कैसे आया। तभी सेक्रेटरी कहते हैं सर इसके पास आपका गोल्डन कार्ड है। तभी वो भी दिखाता है कि हाँ मेरे पास तुम्हारा गोल्डन कार्ड है, ये गोल्डन कार्ड उन्हीं के पास था कि वो लालवा जी के सबसे ज़्यादा क्लोज थे जो लालवा जी से कभी भी मिल सकते थे, इसलिए जो ना वो गोल्डन कार्ड लोगों को दिया गया था। तभी लालवा जी उसकी ओर देखता है और उस गोल्डन कार्ड को छीनने की कोशिश करता है। तो वो कहता है क्यों क्या हुआ है, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता हूँ। तो लालवा जी कहता है नहीं तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते, चले जाओ यहाँ से। और लालवा जी कहता है नेक्स्ट टाइम से किसी को भी मेरे कमरे में आने मत देना, समझ गए ना तुम। तो वो कहते हैं हाँ सर ऐसे कहते हैं। और लालवा जी वहाँ से जल्दी जल्दी जो है ना निकल जाता है, जिसके बाद लालवा जी जो है जल्दी से मेंशन में आ जाता है। मेंशन में आने के बाद सर्वेंट से पूछता है विंग के बारे में, तो सर्वेंट बताते हैं कि विंग अपने कमरे में है करके। तो लालवा जी विंग के डोर को नॉक करता है, उसके बाद जो है ना विंग आने के लिए कहता है और लालवा जी अंदर जाके देखता है जहाँ पे हमारा विंग जो है ना पेंटिंग कर रहा था। तो लालवा जी विंग के और देखता है और विंग कहता है क्या तुमने लंच कर लिया, तुम इतने जल्दी आ गए क्यों, क्या हुआ है तुम इतने जल्दी क्यों आए हो। तो लालवा जी विंग से कहता है विंग तुम वहाँ से क्यों निकल आए थे। तो विंग कहता है
मैंने सोचा था कि तुम लोगों को क्वालिटी टाइम चाहिए होगा एक दूसरे के साथ, तो लानवा जी तो मुझे क्यों चाहिए होगा, तुम वहाँ से क्यों आए थे? चलो मैंने डिनर नहीं किया है या ना लंच नहीं किया है, तो मैं कहता क्या क्यों नहीं किया मैंने तो टिफिन, तो लानवा जी कहता वो तो वहीं पर रह गया ऐसे कहता है, तो विंग कहता ओह ठीक है था रुको 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 मैं सिर्फ इसे फिनिश करके आता हूँ ऐसे कहता है, और लानवा जी कहता है ठीक है, और विंग अपनी पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो है ना लानवा जी अपने उसका जो खुद का रूम था ना वहाँ पर आता है, वहाँ पर आने के बाद जो है ना कबट था ना कबट के बिल्कुल कबट के अंदर एक और कबट था, उस कबट में से जो है ना एक बड़ा सा बॉक्स निकालता है, उस बॉक्स को निकालने के बाद उस बॉक्स को खोलता है जहाँ पे कुछ चीज़ें थी। लानवा जी उन चीज़ों को देखने के बाद जो है ना उस बॉक्स को बाहर लेके आता है, बाहर लाने के बाद जो है ना सर्वेंट से कहते हुए जो है ना घासलेट जो था ना वो लेके आता है, और लानवा जी उस कबट पूरे बॉक्स पर जो है ना उस घासलेट को डाल देता है और उसे पे आग लगा देता है, जिसके बाद उसके सामने खड़ा होके कहता है मैं फिर से उसके क्लोज नहीं जाने वाला, फिर से ऐसा नहीं करने वाला, कुछ भी मैं ऐसा नहीं करूँगा ऐसे लानवा जी कहता है। और लानवा जी उन चीज़ को है ना पूरी तरह से जलाने तक खड़ा रहता है, और विंग पीछे जाता है और कहता है क्या हो रहा है लानसान ये क्या हो रहा है, तभी लानसान विंग की ओर देखता है और विंग को हक करता है, और विंग कहता है ये क्या है ऐसे कहता है, बट लानसान कुछ कहता नहीं है और विंग से अंदर चलने के लिए कहता है, और लानसान कहता है ये जलने के बाद इसकी पूरी राख को फेंक देना करके, तो जो सर्वेंट था ना वो सिर्फ हवा में सिर हिलाता है, और विंग बार बार उस तरफ देख रहा था क्योंकि एक बड़ी सी जो पेटी थी ना एक बड़ी सी, इसलिए विंग को दिख रहा था उसमें कुछ चीज़ें है करके, बट वो ठीक से जल नहीं रही थी ना इसलिए विंग को थोड़ा कुछ दिखा था, बट लानवा जी ने विंग को हक किया तो इसके कारण विंग डाइवर्ट हो गया। तो विंग जो आ जाता है लानवा जी यहाँ पे जो है ना डिनर करना जो लंच करना स्टार्ट कर देते, यहाँ डिनर लंच और ब्रेकफास्ट में ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूज ही होती जा रही हूँ, और ऊपर से आज मुझे रिकॉर्डिंग करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ना तो कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर के सामने जो है ना बार बार जो कचरे वाली का गाड़ी आई तो वो कचरा ले लो कचरा के बारे में बात कर रहा था, और जो सब्जी वाला आया उसके बाद जो है ना फ्रूट वाला आया, उसके बाद जो है ना जो केसा और भांडे भेटे बनते तो वाला म्हणजे दहा रंगाचे आज लोकं सीत गेले ना, त्याच्यामुळे मी एवढी प्रॉब्लेम झाली ना व्हिडिओ रेकॉर्ड करताना का खूपच जास्त मी सांगू नाही शकत, पण तरी आज मी एवढ्या टाईमाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आहे, तो मला विश्वास आहे की तुम्हाला आवडेल बावनू, तर चला मग आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये भेटूया, ओके बाय बाय गाईज, थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।